हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सारे नामों को विद देयर एक्सप्लेनेशंस आल्सो, राइट। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती है, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें, और अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक ज़रूर चेक करें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफरेंट नेम्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या बोला गया है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द मार्केट सर्कल्स। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही प्रकार का इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर सिर्फ वन टाइप होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है मार्केट सर्कल्स में, राइट। तो द नेम्स आर बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर्स। अब वो जो नेम है वो किस बेसिस पर रखे गए हैं, वो रिस्क फैक्टर के बेस पर रखे गए हैं, वो ग्रोथ पोटेंशियल्स के बेस पर रखे गए हैं, वो लिक्विडिटी और रेप्यूटेशंस ऑफ इशूइंग कंपनीज के बेस पर रखे गए हैं। तो नंबर वन जो हमारा शेयर आता है वो आता है ब्लू चिप शेयर। तो ब्लू चिप शेयर हम किसको कहेंगे, तो द शेयर ऑफ वेल नोन कंपनीज विच आर रीडिली सेलेबल इन द मार्केट आर नोन एज ब्लू चिप्स। कि वेल नोन कंपनीज के शेयर्स, अच्छी खासी जाने मानी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं और जिनको मार्केट में आसानी से सेल किया जा सकता है, वो होते हैं हमारे ब्लू चिप शेयर्स। और दीज शेयर्स हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड रेडी मार्केट, रेडी इन द सेंस कि यू नो मार्केट हमेशा रेडी रहता है इनको बाइंग एंड सेलिंग के लिए, राइट। और ये जो शेयर्स होते हैं वो ग्रोथ पोटेंशियल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले शेयर होते हैं। ओके, ये था हमारा ब्लू चिप। नेक्स्ट, एक्टिव शेयर्स की बात करें तो दीज आर द शेयर विच आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ दे आर एक्टिव इन दी मार्केट। तो इनका, इन शेयर्स का फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता ही रहता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, सो इसीलिए इनको एक्टिव शेयर्स बोला गया है। थर्ड आता है स्पेसिफाइड और क्लियर्ड सिक्योरिटी और एल्फा शेयर्स। तो स्पेसिफाइड, क्लियर्ड, एल्फा शेयर्स कौन से होते हैं, तो दीज आर दो शेयर विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ज़्यादातर ट्रेड होने वाले शेयर्स हैं कैपिटल मार्केट में, और इसलिए इनको एक्टिव शेयर भी बोला जाता है। दे आर वेरी एक्टिव, मतलब ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो प्लेस्ड अंडर ग्रुप ए इन द स्टॉक मार्केट क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। तो इनको ए ग्रुप की श्रेणी में स्थान दिया गया है। फोर्थ आता है ग्रोथ शेयर्स। तो ग्रोथ शेयर्स की बात करें तो दीज आर द शेयर ऑफ फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो जल्दी जल्दी ग्रो कर रही हैं, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं ना जो, वो ग्रोथ शेयर्स होते हैं। तो सच शेयर्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो द करंट यील्ड ऑन सच शेयर मे बी लो, भले ही उनकी जो करंटली इनकम हो रही है उन पे वो कम हो, लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब वहाँ पे चांसेस हैं कि कैपिटल एप्रिशिएट ज़रूर होगी, भले ही करंट यील्ड लो ज़रूर हो, मतलब करंटली आपकी जो इनकम है वो कम ज़रूर हो, बट आगे इनके अंदर जो है ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है और इसलिए ये ग्रोथ शेयर्स कहलाते हैं। डिफेंसिव शेयर्स की बात करें तो द प्राइजेज ऑफ दीज शेयर हैव चांसेज ऑफ रिमेनिंग मोर स्टेबल। तो इन शेयर्स के प्राइजेज जो हैं वो चांसेज यही रहते हैं कि वो ज़्यादा यू नो स्टेबल रहेंगे, चेंजेस नहीं आएंगे इन शेयर्स के प्राइजेज में। तो दे मे नॉट बी सब्जेक्ट टू मच फ्लक्चुएशंस, तो यानी कि इन शेयर्स के प्राइजेज में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। दीज शेयर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो शेयर हैं एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और एश्योरेंस देते हैं कि आपको रेगुलर रिटर्न मिलेगा,
तो ब्लू चिप शेयर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, तो ब्लू चिप शेयर्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है टर्न अराउंड शेयर्स, तो टर्न अराउंड शेयर्स हम किसको बोलेंगे, देयर आर चांसेस ऑफ सडन राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ सच शेयर ड्यू टू अनसर्टेन कंडीशन प्रिवेलिंग इन कंपनीज एंड कैपिटल मार्केट स्पेक्यूलेटर्स टेक एक्टिव पार्ट इन सच शेयर टू मेक क्विक गेन्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि चांसेस होते हैं अचानक से बढ़ जाना, अचानक से फॉल हो जाना इन शेयर्स के प्राइजेस में, अचानक से राइज हो जाना, अचानक से फॉल हो जाना। क्यों? क्योंकि कुछ अनसर्टेन कंडीशंस हो गई हैं कंपनी के अंदर या फिर कैपिटल मार्केट में, और जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो एक्टिव पार्ट यानी कि यू नो एक एक्शन लेते हैं इसमें तुरंत, ताकि जो है उनको जल्दी से जल्दी यू नो गेन मिल जाए। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि जल्दी से मान लो उस शेयर का प्राइस राइज हो गया, है ना, उस शेयर का क्या हो गया, प्राइस राइज, तो स्पेक्यूलेटर्स ने क्या किया, फटाफट से अपने वो वाले शेयर्स बेच दिए, जिससे उनको क्या हो गया, क्विक गेन हो गया। ऐसे ही अगर उन शेयर्स का प्राइस फॉल हो गया तो स्पेक्यूलेटर्स ने क्या करा, वो खरीद लिया, राइट। तो ये सडन राइज और सडन फॉल आता है, इनको कहते हैं टर्न अराउंड शेयर्स। साइक्लिकल शेयर्स की बात करें तो साइक्लिकल इन द सेंस कि हमारा बिजनेस साइकिल है ना, तो द शेयर्स हुज प्राइजेज आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ट्रेड साइकिल एंड अदर फैक्टर्स आर नोन एज साइक्लिकल शेयर। तो ट्रेड साइकिल से ज़्यादातर प्रभावित होते हैं साइक्लिकल शेयर्स, और प्राइजेज ऑफ सच शेयर्स आर अफेक्टेड बाय कंडीशन ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो हमारे इन शेयर्स के जो प्राइजेज हैं वो नेशनल इकनॉमी की कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए आपके, इनके द्वारा, इन इवेंट्स के द्वारा काफ़ी अफेक्ट होते हैं इन शेयर्स के प्राइजेस। शेयर ऑफ टी कंपनीज, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो टी कंपनी के शेयर, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन कैटेगरी में आता है, साइक्लिकल शेयर की कैटेगरी में आता है। नॉन साइक्लिकल शेयर्स की बात करें तो विच आर नॉट मच अफेक्टेड बाय ट्रेड साइकिल, यानी कि नॉन साइक्लिकल, यानी कि वो ट्रेड साइकिल से अफेक्ट नहीं होते, ठीक है, और कंडीशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, द वेदर और इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, मतलब कोई भी नेशनल इकोनॉमिक कंडीशन हो गई या कोई इंटरनेशनल इवेंट हो गया तो इन चीज़ों से ये प्रभावित नहीं होते। तो शेयर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर्स बेसिक स्टफ्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। आई होप गाइज डिफरेंट नेम्स आपको क्लियर होंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन, है ना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर चेक कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।